हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का चैप्टर नंबर 18 प्रार्थना, जिसको इंग्लिश में हम प्रेयर कहेंगे, वो चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, आफ्टर सो मेनी डेज यू आर गेटिंग द हिंदी वीडियो, और होप कि आपको आजकल में आपके स्टाइल ऑफ पेपर और आपके सिलेबस वगैरह कंप्लीट मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से घर में पढ़िएगा और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्रेयर का मतलब क्या होता है, प्रार्थना का मतलब क्या होता है? ईश्वर जो भगवान एक है, उनको हम खुद समर्पित करेंगे उनके सामने, और संसार उन्होंने बनाया है, कितने सारे चीज भगवान ने हमको दिया है, इसके लिए उनकी रेस्पेक्ट में, उनकी आदर में हम प्रेयर करते हैं। आप स्कूल पे आते हो तो आपके शुरुआत में क्या होता है, पहले 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 प्रेयर स्टार्ट होता है ना हमारा स्कूल में। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया। देखो स्टूडेंट्स, अगर भगवान ने इस धरती को बनाया है, अगर भगवान ने सूरज और चांद नहीं बनाते, तो हमारा पूरा धरती क्या होता, पूरा अंधेरा में ही रहता। हम क्या करते हैं, दिन में सूरज को देखते हैं, रात को चांद मामा को देखते हैं। जिसने तारों को चमकाया, और रात में क्या करते हैं, हम तारों यानी कि स्टार्स को भी देखते हैं, जो टिम 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 करके आसमान में चमकते हैं। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़िया को चहकाया, जिसने कितना नेचुरल थिंग्स भगवान ने हमको दिया है, सूरज दादा दिए हैं, चांद मामा दिए हैं, आसमान में तारे दिए हैं, रात में चमकते हैं, और जिन्होंने फूलों को महकाया, इतने वेराइटी, ये पिक्चर सब देखिए, इतनी वेराइटी के सारे फूल दिए हैं, तरह तरह के फूल दिए हैं भगवान ने, ईश्वर ने हमको दिया है। और स्टूडेंट, सवेरे सवेरे जब हम नींद में उसमें से उठते हैं, कोई फ्रेश फूल, कोई फ्रेश फ्लावर लाके आपको दे, और आप सोते हुए रहते तो छोटे छोटे चिड़िया कैसे चू 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 आवाज़ करते हैं, कितना अच्छा लगता है हमको। जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया, जिसने सारा जगत बनाया, जगत मीन्स होल वर्ल्ड, पूरा विश्व बनाया। देखिए पानी, देखिए नदी, दरिया, पहाड़, कितने कुदरती सीन, तरह तरीके के फूल, तरह तरीके के जीव जानवर। जिसने रची हमारी काया, जिन्होंने, काया मीन्स हमारा शरीर, जिसने हमारी शरीर को भी बनाया, जिसने पूरा विश्व को भी बनाया है, उस ईश्वर को सदा मनाएं, उस प्रेम से शीश झुकाएं। इसलिए हम क्या करेंगे, जो बिना स्वार्थ के हमारे लिए ईश्वर ने सूरज चांद बनाया, आसमान में रात को तारों को चमकाया, फूलों को महकाया, चिड़िया को चहकाया, और जिन्होंने हमारी काया, जिसने, जिस भगवान, जिस ईश्वर ने हमको बनाया, उस ईश्वर को हम सदा उनके शुक्रगुजार होके रहेंगे, और प्रेम से, भक्ति से, आदर से उनके सामने हम सिर झुकाएंगे, अपना नमन करेंगे, हम उनको प्रणाम करेंगे। उनके राइटर कौन है स्टूडेंट्स, मोहनलाल द्विवेदी। एक्सरसाइज, पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट, मतलब ऊपर जो वर्ड दिया गया है उसको आपको पढ़ना है, और नीचे जो लाइन दिया है ये जैसे लिखा हुआ है, सेम चीज आप देख देख कर उसको कॉपी करेंगे, देख देख कर उसको लिखेंगे। सूरज, जिसने, चांद, चमकाया, महकाया, ईश्वर, फूल, प्यार, शीश झुकाएं, ये सब स्टूडेंट्स आप आपकी इसी बुक में लिख लेंगे। समझो और बुक में घेरो, अंडरस्टैंड एंड सर्कल, मतलब आप समझने के बाद उसको सर्कल करेंगे। ये फर्स्ट में देखिए, सूरज र बी ईश्वर, यानी कि थ्री लेटर्स क्या आया, र र र, ऐसे सेकंड में से म, में से प्रे म, मनाया,
महकाया, इसको क्या करना है, ऐसे सर्कल आपको करनी है। स जिस ने शोभा दास, ऐसे स को हम क्या करेंगे, इसमें सर्कल करेंगे। ज जगत सूरज काजल, ये जो आ गया ना, जो ये जो और ये जो। पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। तारे चमकते हैं, फूल महकते हैं, चिड़िया चहकती है, हम ईश्वर को शीश झुकाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको क्या करना, अच्छी तरह से अपने अच्छी राइटिंग में इसको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर फिर कल हम लेसन नंबर 19 पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। टेक केयर योर हेल्थ एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम।